नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए अब आपको ले चलते हैं ताजा तरीन खबरों की तरफ। आजमगढ़ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जन किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को नामित 5 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। एक तरफ दिनों दिन खाद, बीज, बिजली महंगी हो रही है तो दूसरी तरफ किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान दिनों दिन रसातल की तरफ जा रहा है। हमने बातचीत की कृपाशंकर पाठक से, आपको सुनवाते हैं। कृपाशंकर पाठक है, आज आप लोग यहाँ किसान कल्याण समिति का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के किसानों की खस्ता हाल को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, कर्ज के भवसागर में डूबे हुए किसान किसी तरह से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं, फिर भी सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आज तक किसान के बेटों को नौकरी नहीं मिल पाती। किस तरह से अपने परिवार का उपचार करते हैं, बुआई, जुताई, मड़ाई और खेती के काम में इतना अपव्यय या इतना व्यय होता है, वो कर नहीं पाते। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि इसी देश के कुछ प्रदेश में किसानों का बिजली का बिल माफ़ किया गया तथा उनको निःशुल्क बिजली दी जा रही। इसलिए हमारा भी यह विचार है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान कराएं और उनका जो बिजली का जो बकाया बिल है उसको माफ़ करें। मैं ख़ास तौर से यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश या भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के किसान